के महिला कांस्टेबल हत्याकांड में एक तहसीलदार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि मामले के तार प्रतापगढ़ के एक तहसीलदार से जुड़े हुए हैं, जिस पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगा। महिला कांस्टेबल रुचि सिंह लखनऊ के DGP कार्यालय में तैनात थे, जिनका शव लखनऊ के वृंदावन इलाके के एक नाले से मिला। पुलिस ने जब महिला कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाई तो जैसे एक फिल्मी कहानी सामने आ गई, जिसकी शुरुआत 5 साल पहले फेसबुक पर हुई। शुरू में तो ये किसी आम प्रेम कहानी जैसी लगी, जिसमें दो लोग पहले दोस्त बने और फिर उन्हें प्यार हो गया। लेकिन प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रतापगढ़ के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने रुचि सिंह से शादी करने से इनकार कर दिया। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था। लेकिन रुचि सिंह शादी का दबाव बनाती रहीं और यही बनी उनकी हत्या की वजह, क्योंकि पद्मेश श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की चाल चली और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। आरोप है कि इस साजिश में इन दोनों पति पत्नी का एक और शख्स ने भी साथ दिया। पुलिस ने बताया कि इस तीसरे आरोपी की जमीन का मामला तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और तीनों ने मिलकर महिला कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या की प्लानिंग। बिजनौर की रहने वाली रुचि सिंह 13 फरवरी को अचानक लापता हो गई। वो पुलिस कर्मचारी थी, इसलिए उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा था। 17 फरवरी को उनका शव एक नाले में पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव और रुचि सिंह दोनों की लास्ट लोकेशन लखनऊ का वृंदावन इलाका था, जिसके बाद पुलिस ने पद्मेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया और हत्या की पूरी प्लानिंग का राज खुल गया। पुलिस ने बताया कि पद्मेश और रुचि का अफेयर 5 साल से चल रहा था। रुचि शादीशुदा थी और उनका तलाक होने वाला था और उन्हें जैसे ही कोर्ट से तलाक की फाइनल तारीख मिली वो पद्मेश पर शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन पद्मेश तो शादी करना ही नहीं चाहता था। यही वजह रही कि उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बता दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एक तीसरे शख्स की मदद ली। पुलिस ने जानकारी दी कि तीनों आरोपियों ने रुचि सिंह की लखनऊ में हत्या की और फिर शव नाले में फेंक दिया।